राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनना चाहिए एक बड़ा मंत्री, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि प्रदेश सरकार में विराजमान महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है। समझ नहीं आता कि इससे उनकी क्या मासूमियत कहें या अंधभक्ति। मौका था लायंस नेत्र चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम का, जिसमें क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत। वहीं मंच से महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं गुना की प्रभारी मंत्री इमरती देवी ने मंच पर से ही कहकर सबको चौंका दिया कि राहुल गांधी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं सिंधिया को लुभाने के लिए उन्होंने कहा कि सिंधिया को एक बड़ा मंत्री बनना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ऊपर दर्जे का मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को होना चाहिए। अब यह समझ नहीं आता कि यह उनसे भूल से हुआ है या श्रीमंत सिंधिया को लुभाने के लिए। आपके निर्देशों पर आपका जिस तरीके से सेवा भाव में मन लगता है और आप करते हो पूरे मध्य प्रदेश में, हम भी आपके सिपाही बनकर आपसे सीखते हैं कि हमको महाराज क्या करते हैं और उससे छोटा हमको क्या करना है, तो हम आपसे सीखते हैं। और ये तो आप सभी जानते हो कि अब हम अधूरे हैं, राज्य में सरकार तो बनी है लेकिन अधूरे हैं, मंत्री हैं तो क्या है, अधूरे हैं। अब आप सबको लोकसभा के चुनाव में हम सबको इतनी मेहनत करना है कि हमारे हिंदुस्तान में सरकार बने और हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री बने और हमारे महाराजा साहब सबसे बड़े मंत्री बने, इसलिए हम सबकी सेवा और अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद। जय।